अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लाल और आप देख रहे हो डेली टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनके मोबाइल की मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, मतलब कि उनके पास कोई ऐसा डाटा होता है या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखते हैं या फिर बहुत सी उनके पास वीडियोज़ जिनसे उनके मोबाइल की मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है और इस तरह से आप उसको क्लीन कर सकते हो। किसी भी चीज़ को डिलीट किए बगैर आप उस डाटा को अपने मोबाइल की मेमोरी को कैसे आप कम कर सकते हो, उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हो, उससे स्पेस बढ़ा सकते हो अपने मोबाइल की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में कुछ पर्सनल डाटा होता है, जैसे कि कोई वीडियोस वगैरह या फोटोज़ या फिर कुछ उन्होंने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें उनके पास होते हैं, तो वो उनको डिलीट भी नहीं करना चाहते और अपने मोबाइल की मेमोरी क्लीन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप जिनको यूज़ करके आप अपने मोबाइल की मेमोरी को कम कर सकते हो, मतलब कि अपने मोबाइल की स्पेस को बढ़ा सकते हो और भी चीज़ें आप अपने मोबाइल में कवर कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल के कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या फोटोज बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब आप अपने कैमरा से, अपने मोबाइल के कैमरा से कोई भी वीडियो या फोटो शूट करते हो तो उसका जो आप MB अगर आप चेक करते हो, उसका साइज चेक करते हो, तो बहुत बड़े साइज की आपकी वो फोटो भी या कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो। 1-2 मिनट की अगर आपकी वीडियो होती है तो वो 400-500 MB की वो वीडियो रिकॉर्ड होती है आपके मोबाइल में। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, आप अपनी वीडियोस का साइज कम करना चाहते हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी भी सेम रहेगी, मतलब कि आप क्वालिटी भी में कोई भी फर्क नहीं आएगा और आप अपनी वीडियोस का साइज भी बहुत कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा कम कर सकते हो, तो इसके लिए आपने कोई भी थर्ड पार्टी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। इसके लिए आपको एक मोबाइल में ट्रिक बताऊंगा, आपकी गैलरी की ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियोस का साइज कम कर सकते हो। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को कर लिया ओपन। मोबाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वीडियो आपके सामने ओपन की, ये मैंने अपने मोबाइल के कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो आपके सामने ओपन किया। तो यहाँ से मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर पर ये आपको कंप्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस तरह से ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये इस वीडियो का आप ओरिजिनल साइज़ भी देख सकते हो। उसके बाद आप इसको किस साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि कितना आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, मतलब कि आप 325 MB की ये वीडियो है, 320 MB की, तो अगर आप इसको 50 MB तक भी लाना चाहते हैं तो आप 50 पर क्लिक करके आप इसको कंप्रेस पर क्लिक करके इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हो। तो इस तरह से आप जिस भी वीडियो का साइज़ कम करना चाहते हैं आपने उस साइज़ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंप्रेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो का साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस का साइज़ कम कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो दूसरी ट्रिक है हमारे पास कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने मोबाइल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है लेकिन वो उन एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते, ऐसे ही आपके मोबाइल की मेमोरी को कवर करके रखा है उन एप्लीकेशन ने। तो इनसे एक तो आपके मोबाइल की बैटरी यूज़ होती है, मतलब कि बैकग्राउंड में आपके मोबाइल की बैटरी यूज़ होती रहती है और आपका बैटरी टाइम भी कम होता जाता है, और दूसरा आपके मोबाइल की मेमोरी को भी कवर करके रखा है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने ऐप्स को ओपन करना है। ऐप्स को ओपन करोगे तो आपके सामने जितने भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, डेली आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप वगैरह या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, यूट्यूब या जो भी आप कोई भी आप एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ करते हो, आपने उस एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी जिस पर भी आप जो आपकी मतलब के फ्री है आपके मोबाइल में एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ नहीं करते उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना, फोर स्टॉप पर आपने क्लिक करते जाना है। इससे आपके मोबाइल की एक तो बैटरी बचेगी और आपके मोबाइल की मेमोरी भी क्लीन होगी। तो आप इन एप्लीकेशन को अगर आप डिलीट भी नहीं करना चाहते तो आप फोर स्टॉप पर इसको सेट करके आप इसको सेट कर सकते हो। तो इन दो ट्रिक से आप अपने मोबाइल की स्पेस को मतलब कि मेमोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपके मोबाइल की मतलब वीडियोज़ की क्वालिटी भी कम नहीं होगी और आप वीडियो का साइज भी कम कर सकते हो। और अगर आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है उनको आप डिलीट नहीं करना चाहते और उनको भी आप उनकी भी मेमोरी कम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।